नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनें रद्द, तो कई ट्रेनों का किया गया रूट परिवर्तन। अगले 24 घंटे में आंधी, पानी और ठनके के आसार। बिहार के इन चार बड़े अस्पतालों को मिलेगा खुद से फैसले लेने का अधिकार। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए रोहित कोहली को दिया गया आराम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनें रद्द, तो कई ट्रेनों को किया गया रूट परिवर्तित। बिहार के लखीसराय जिले के बरहिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है। बीते दिन से ही लोग दर्जनों भर ट्रेनों के ठहराव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल जुलाई 2021 में रेलवे की तरफ से दिए गए आश्वासन के बावजूद एक दर्जन ट्रेनों का ठहराव नहीं होने के कारण रेल संघर्ष समिति के सदस्य नाराज हैं। प्रदर्शन के कारण रेलवे ने लगभग आज के डेट में 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 2 से 3 ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया। वहीं कल सुबह 9 बजे से ही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस बरहिया स्टेशन पर लगी हुई है। हालांकि यात्री को यहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बिहार के 7 भ्रष्ट खाद्य प्रबंधकों पर अब चलेगा मुकदमा। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। भ्रष्ट अधिकारियों का एक और मामला अब सामने आया है, जिन्होंने गरीब किसान को लूटा है। दरअसल राज्य में 2012-13 में हुए धान खरीद घोटाले में बिहार प्रशासनिक सेवा के 7 पदाधिकारियों के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। विधि विभाग के स्तर से पूरे मामले की सघन समीक्षा के बाद इन्हें दोषी पाया गया है। इन पर मुकदमा दायर करने के साथ ही पैसे की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जांच में इन 7 पदाधिकारियों पर 25 से 30 करोड़ रुपए मूल्य के चावल के गबन का आरोप सही साबित हुआ है। इनमें से कमलेश सिंह पूर्वी चंपारण, अजय कुमार ठाकुर पूर्णिया भानु, प्रताप सिंह पूर्वी चंपारण, संतोष कुमार झा गया, अरविंद कुमार मिश्रा कैमूर, अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा पूर्वी चंपारण, अजय कुमार ठाकुर पूर्णिया, इन सब का नाम शामिल है। अगले 24 घंटे में आंधी, पानी और ठनके के आसार। बिहार में प्री मानसून का असर पूरी तरह दिख रहा है। लगातार आंधी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और फिलहाल अभी इससे बिहार वासियों को राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मुख्य वजह पूर्व पश्चिम ट्रफ लाइन का गुजरना है, जिसकी वजह से चक्रवाती दबाव का केंद्र बिहार बना हुआ है। हालांकि ट्रफ लाइन की दिशा आज से दक्षिण उत्तर होने की सूचना थी। ऐसी स्थिति में 2 दिन बाद बिहार की मौसमी दशा बदलने की उम्मीद है। आंधी पानी की वजह से बिहार में प्री मानसून बारिश सामान्य से 15% अधिक हो गया है। वहीं अगले 24 घंटे में बिहार में आंधी, पानी और ठनके के आसार लगातार बने रहेंगे। संभावित 27 मई को जातीय जनगणना को लेकर होगी सर्वदलीय बैठक। बिहार में जातीय जनगणना करवाना सभी राजनीतिक पार्टियों का एक अहम उद्देश्य हो गया है। खास बात तो यह है कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष हर छोटी बड़ी बात पर एक दूसरे को लपेटे में लिए बिना नहीं रहते थे, आज इस मुद्दे पर सभी एकजुट हैं। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई नेता सर्वदलीय बैठक की मांग भी कर रहे थे। लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इसकी तारीख तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये बैठक 27 मई को संभावित है। ज्ञात हो कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर हमेशा से जदयू और राजद की सोच एक रही है। बिहार में स्क्रैप और कोयला कारोबारी कर रहे हैं टैक्स चोरी। बिहार में टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। बिहार के आयरन स्क्रैप और बिटुमिन के 7 कारोबारियों ने टैक्स चोरी की है। इन कारोबारियों के यहां वाणिज्य कर विभाग ने छापा मारा, जिसमें 12 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स की चोरी पकड़ी गई है। दरअसल बिटुमिन यानी कि कोयला के कारोबार में फर्जीवाड़ा किया गया है। राज्य के एक फर्जी फर्म से सामान की खरीद की गई, पश्चिम बंगाल में खरीद बताकर उस पर GST का लाभ लिया गया है। इस सिंडिकेट में मधुबनी का एक बड़ा फर्म भी शामिल है। गया के आयरन स्क्रैप के एक कारोबारी ने बड़े पैमाने पर ई वे बिल का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी। बिहार के इन 4 बड़े अस्पतालों को मिलेगा खुद से फैसले लेने का अधिकार। बिहार स्वास्थ्य विभाग लगातार आम लोगों के लिए अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध करवा रही है। दरअसल बिहार के कुछ अस्पतालों को स्वायत्ता यानी कि अस्पताल को खुद से फैसले लेने की अधिकार मिलने की उम्मीद है। ऐसे में स्वायत्ता मिलने पर ये अस्पताल स्वायत्ता सोसाइटी के अधीन संचालित होंगे। सोसाइटी इन अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स से लेकर उपकरण की व्यवस्था और रखरखाव तक के लिए जिम्मेदार होगी। स्वास्थ्य विभाग ने स्वायत्ता सोसाइटी गठन की कवायद भी शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि 4 से 5 महीने के अंदर ये स्वायत्ता सोसाइटी काम करने लग जाएगी। जिन अस्पतालों को ये सुविधा मिलेगी वो है राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल पटना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर, मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर भोजपुर और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना। बिहार के करीब 29 लाख से अधिक वृद्ध ले रहे पेंशन का लाभ। बिहार में वृद्ध लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए बिहार सरकार अपनी निधि से संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ देती है, जिसकी संख्या बढ़कर 29,23,309 तक पहुंच गई है। समाज कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित इस योजना के लाभार्थियों की सूची पर अगर नजर डाले तो अकेले
पटना जिले में करीब 1,27,931 वृद्ध इस योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं इस योजना का लाभ लेने वाले 5 शीर्ष जिलों पर गौर करें तो उसमें सभी उत्तर बिहार के ही जिले शामिल हैं। 9 जिले ऐसे हैं जहां 1,00,000 से अधिक वृद्धों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। इनमें सारण, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा जिला शामिल है। बिहार के 70% पंचायतों में वित्तीय लेनदेन पर लगाई गई रोक। बिहार पंचायती विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार पंचायती विभाग ने करीब 70% पंचायतों में वार्ड क्रियान्वयन समिति के वित्तीय लेनदेन पर रोक लगा दी है। दरअसल पंचायत चुनाव के बावजूद वार्ड क्रियान्वयन समिति गठित नहीं होने के कारण पंचायती राज विभाग ने यह निर्णय लिया है। वहीं सभी जिलाधिकारियों, पंचायती विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह की तरफ से पत्र भी भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि चुनाव होने से पहले से बने वार्ड क्रियान्वयन समिति को ये काम करने का अधिकार नहीं है। पंचायत चुनाव से पहले बनी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किसी प्रकार के वित्तीय लेनदेन को अवैध माना जाएगा। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में संयुक्त प्रवेश परीक्षा की संभावना इस बार भी कम। मालूम हो कि सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नामांकन को लेकर अलग अलग और अपनी प्रक्रिया अपनाते थे, जिसमें शिक्षा विभाग को भारी गड़बड़ी देखने को मिलती थी। इसकी शिकायत शिक्षा विभाग तक पहुंचने के बाद से शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन को लेकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है और इसकी जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई है। हालांकि राज्य के सभी सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में नामांकन की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने की संभावना इस बार भी कम जता रहे हैं। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय ने सभी 66 सरकारी सीईटी, डाइट, पीटीईसी और बाइट में नामांकन की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर के तैयारी शुरू कर चुके हैं। विभाग के शोध प्रशिक्षण निदेशालय डॉक्टर विनोदानंद झा ने इन सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के प्रचारक को इस बाबत जानकारी दे दी है। एक्टिव कोरोना केस के मामलों में आई गिरावट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सोमवार को 2022 नए कोरोना संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई, जिसके बाद अब देश भर में कोरोना मामलों की कुल संख्या 4,31,38,393 हो गई है, जबकि एक्टिव कोरोना केस में गिरावट दर्ज हुई है, जिसके बाद कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 14,832 हो गई है। पिछले 24 घंटे के जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण से जान जाने वालों की संख्या 46 बताई गई है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के मुताबिक सक्रिय मामलों की कुल संक्रमण दर 0.03% है। डीटीओ नहीं मान रहे मुख्य सचिव की बात। बिहार में बड़े पद पर बैठे अफसर इतने ढीठ हो गए हैं कि मुख्यमंत्री की भी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां बिहार के मुख्य सचिव के दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया। दरअसल बिहार सरकार के सबसे बड़े अफसर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने 19 अप्रैल को आदेश जारी किया था कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार में नहीं रहेंगे। अगर ऐसा है तो इनसे तत्काल प्रभार वापस ले। एक महीने से अधिक का समय बीत गया है और अभी तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भले ही 14 लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को मुक्त कर दिया हो, लेकिन अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल के लोक जन शिकायत पदाधिकारी विपिन कुमार यादव आज भी जिला परिवहन पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में हैं। तेजस्वी यादव ने विश्व के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के छात्रों को किया संबोधित। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए थे। फिलहाल वो अभी वहीं हैं। इस दौरान वो लगातार लंदन से अपने सभा की तस्वीरों को भी ट्विटर के जरिए साझा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आज अपने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा की और साथ ही लंबा चौड़ा संदेश भी लिखा है। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से लिखा कि विश्व के सबसे ऐतिहासिक, सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में देश और बिहार में सर्वांगीण विकास तथा लोकतंत्र, विपक्ष का भविष्य, भूमिका और एकता पर अपने विचार रखे और छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। जीतन राम मांझी ने कहा, जातीय जनगणना पर जल्द ही लिया जाएगा फैसला। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर अपने बयानों से राजनीतिक सरगर्मी तेज करने की कोशिश की है। इस बार उन्होंने संभावित 27 मई को होने वाले जातीय जनगणना को लेकर कहा कि भाजपा जाति आधारित जनगणना के विरोध में है, बावजूद नीतीश कुमार इस मसले पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह निर्भीक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। भाजपा की असहमति के बावजूद कई मसलों पर उन्होंने खुलकर स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बैठक बुलाए जाने की सूचना उन्हें मिली है और जल्द ही राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने पर फैसला हो सकता है। चिराग पासवान भी सोनू की मदद के लिए आए आगे। अपनी पढ़ाई को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद रातों रात वायरल होने वाले नालंदा के सोनू की मदद करने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। इसी क्रम में रामविलास पासवान के बेटे और रालोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान भी सोनू की मदद के लिए आगे आए हैं। चिराग पासवान बीते दिन हरनौत के नीमाकुल पहुंचे थे। उन्होंने सोनू से बात की। चिराग ने सोनू की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपए भी दिए। उन्होंने कहा कि मदद जारी रहेगी। मौके पर जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार भी मौजूद थे। चिराग पासवान ने कहा कि सोनू की उच्च शिक्षा
इसको दिलाए जाने तक पार्टी इनकी मदद करती रहेगी। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए रोहित कोहली को दिया गया आराम। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। केएल राहुल को इस टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है। टीम इंडिया के स्क्वाड की बात करें तो केएल राहुल कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक इसमें शामिल होंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है गौतम कुमार, प्रियंका कुमारी, अजीमा फिरदौस, शंकर मुखिया, ललन झा, गुनाज शर्मा, रंजीत मिश्रा, गौतम कुमार, अखिलेश कुमार, अनवर करीम, मिथुन कुमार पंडित। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में जातीय जनगणना करवा देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।